हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित ये वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मेल और फीमेल के लिए क्या कट ऑफ रहा है 49,568 पदों के लिए जो आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। नॉर्मलाइजेशन में जिन दो शिफ्टों के अंक घटे हैं उनके बारे में बताया जाएगा और किन शिफ्टों के बढ़े हैं। फाइनल कट ऑफ बढ़ सकती है, कितनी बढ़ सकती है या दूसरी मेरिट भी लगेगी। जरूरी दस्तावेज जो आपको निर्धारित प्रारूप में तैयार कराने हैं कौन कौन से हैं और फिजिकल और मेडिकल कब होंगे, इसके बारे में संपूर्ण नॉलेज इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो पूरा देखें, ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया था, 28 जनवरी के एग्जाम्स होने के तुरंत बाद 29 जनवरी को हमारी एक कट ऑफ हमने जारी की थी। बिल्कुल सटीक जो कि तो कट ऑफ आपकी आई है, वही विश्लेषण वहां पर किया गया था और वही जो है ऑफिशियल कट ऑफ है। तो यदि दोनों की कट ऑफ के बारे में बात की जाए, मेल और फीमेल के कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपके लिए मेल के लिए बता दूं कि यूआर की जो कट ऑफ है वो 180 प्लस रही है, 185 प्लस आपकी कट ऑफ रही है। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 172 प्लस रही है। एससी के लिए कट ऑफ जो है आपकी 145 प्लस अंकों की रही है। ऐसा हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के अंक जो हैं इनसे थोड़े बहुत ज़्यादा हों और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। तो सभी लोग जो हैं अपने अंक और आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका जो क्यों नहीं हुआ है आपका सिलेक्शन ज़्यादा अंकों होने के बावजूद भी, ये हम नॉर्मलाइजेशन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। एसटी की यदि कट ऑफ की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा कम गई है, 114 प्लस इनकी कट ऑफ गई है। यदि फीमेल की बात की जाए तो फीमेल की जो कट ऑफ है वो 150 पर गई है, 150 प्लस जिन लोगों का स्कोर है फीमेल कैंडिडेट्स का उनका सिलेक्शन हुआ है और डीवी पीएसटी के लिए आपको बुलाया गया है। साथ ही साथ मैं यहां पर आयोग ने जो बताया है कि डीवी पीएसटी के लिए आपके जो हैं 2.5 गुना कैंडिडेट जो हैं चुने गए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 1,23,921 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्शन हुए हैं, लगभग 50,000 के आसपास आपकी वैकेंसी थी 49,568 और कैंडिडेट जो हैं लगभग 1,24,000 के आसपास सिलेक्शन हुए हैं। दूसरी बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किन दो शिफ्टों को काफ़ी ज़्यादा हानि हुई है और किन दो शिफ्टों को लाभ हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आपका कमेंट्स आ रहे थे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आयोग ने जो है कुछ स्पष्ट नहीं किया है किसे फायदा हुआ है और किसे नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर 28 की फर्स्ट मीटिंग वाले जो हैं बता रहे हैं कि उनके जो स्कोर है वो 190 प्लस है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो 28 की फर्स्ट को कहा जा सकता है कि नॉर्मलाइजेशन का जो है हानि हुई है। दूसरी बात करें तो 28 की सेकंड को ऐसी हानि नहीं हुई है और ये हुई है आपकी 27 की सेकंड शिफ्ट में। तो दो शिफ्टों को जो है यहाँ पर हानि हुई है नॉर्मलाइजेशन से। लाभ किन्हें हुआ है? 27 की फर्स्ट वालों को, और जो है जिनका रिजल्ट जो है बिल्कुल जो ऑफिशियल कट ऑफ से मैच करता है उन्हें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके जो मार्क्स हैं वो उसी के अनुरूप सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पर 28 की सेकंड में भी यही आपको देखने को मिला है। तो ये इन लोगों को प्रॉफिट हुआ है, इन लोगों को थोड़ा दोष हुआ है नॉर्मलाइजेशन का। आप अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। तीसरी बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये निर्भर करेगा आपकी जो फिजिकल की क्वालिफाइंग जो आपका स्कोर बनेगा उसके ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की पिछली भर्ती भी अभी क्लियर हुई है, उसमें भी आपकी जो है ट्रेनिंग चालू हो चुकी है और पीएससी वाले भाई भी अभी जा चुके हैं और जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें कैंडिडेट्स की उपस्थिति देखी जाएगी। जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है शायद वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ना आए, क्योंकि जब उनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है तो हो सकता है कि उपस्थिति आपको 10 से 15% तक देखने को आसानी से मिल जाएगी डीवी पीएसटी में। जब
DVPST होगी, तो इसमें आपके जो मुख्य दस्तावेज हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और किस प्रकार से आपकी होगी वो भी बताया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है लगभग 85% कैंडिडेट बचेंगे और 85% में आपकी फिर रनिंग होगी और रनिंग में जो आपका रिजल्ट आएगा उसके ऊपर निर्भर करेगा कि फाइनल कट ऑफ आपकी बढ़ेगी या नहीं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है जिन लोगों का अभी तक सिलेक्शन हुआ है उन लोगों के चांस जो हैं 99% है। अपनी रनिंग की आप तैयारी करें, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। मुश्किल से एक या दो अंक आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है और ये भी हो सकता है कि पिछली बार की तरह आप फिजिकल की जो योग्यताएं हैं वो पूरी ना कर पाएं और आपकी जो है दूसरी मेरिट भी लग सकती है। दूसरी मेरिट उन परिस्थितियों में लगेगी जब आपका फिजिकल आपका हो जाएगा और कि आपने जो वैकेंसी निकाली है 49,568 किस कैटेगरी में आपकी जो वैकेंसीज हैं वो शॉर्ट रह गई हैं, किस कैटेगरी में कमी है, तो उसी की जो है सेकंड मेरिट लगेगी, उसी के अनुरूप आपकी सेकंड मेरिट लगेगी। तो हो सकता है लेकिन इसके ज़्यादा चांसेज इस बार नहीं है क्योंकि 2.5 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो हो सकता है कि किसी प्रकार की जो कट ऑफ है वो कम रह जाए, शायद लड़कियों की रह जाए या SC ST वगैरह की रह सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है 4 फोटो आप तैयार रखें, 10th और 12th के जो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं वो बिल्कुल तैयार रखें, चाहे आपकी मार्कशीट हो चाहे आपका सर्टिफिकेट हो। इसके ऊपर के सर्टिफिकेट यदि आपके पास हैं तो उन्हें लगा दें, नहीं है तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, आपको झमेले में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अन्य दस्तावेज हैं, एक ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल प्रारूप में, चाहे आपका आधार हो, वोटर ID कार्ड हो या पैन कार्ड हो या DL हो या कोई और अन्य गवर्नमेंट से प्रूफ ID हो, तो वो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको रिजर्वेशन के लिए जो सर्टिफिकेट बनता है आपका जाति प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए। जरूरी है ये उन लोगों के लिए जो OBC, SC और ST से बिलोंग्स करते हैं, उन लोगों के लिए जरूरी है ये जाति प्रमाण पत्र। नेक्स्ट बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र ये सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। और ये जो दोनों प्रारूप मैं आपको बता रहा हूँ कि निवास प्रमाण पत्र आपका जो है 2010 के बाद का कभी कभी बना हुआ होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको नया चाहिए। लेकिन जाति प्रमाण पत्र आपके पास ऐसा होना चाहिए जो 6 माह के अंदर अंदर बना हो। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। जिन लोगों के पास नहीं है वो तुरंत इसको बनवा लें, 6 से 7 दिन में आपका बन जाएगा। तो ये निवास प्रमाण पत्र आपका 2010 से बाद का आपका होना चाहिए, जब से कंप्यूटर पर इसका वेरिफिकेशन निकलता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास जो आप क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं वो आपके पास होना चाहिए। क्षैतिज आरक्षण में आपका आ जाता है जैसे स्वतंत्रता सेनानी होते हैं या आपने जो अभिभावक हैं उन्होंने पुलिस में कोई सर्विस की गई है उनके लिए विशेष रिजर्वेशन रहता है, या फिर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या आप होमगार्ड हैं तो उसके लिए आपकी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए जो गवर्नमेंट मानती है। नेक्स्ट बात की जाए इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में बचता है वो बचता है आपका अर्हता के लिए, विशेष अर्हता के लिए। आप जो है यदि कोई सर्टिफिकेट लगाते हैं NCC या NSS या इस तरीके का तो वो आप लगा सकते हैं, वैसे इसका कोई ज़्यादा लाभ मिलने वाला आप लोगों को नहीं है। तो ये ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, बाकी आप कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ फिजिकल और मेडिकल के बारे में मैं आपको क्लियर करूं कि फिजिकल जो है आपका, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर में आपका जो है ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें आपकी हाइट मापी जाएगी, 168 होनी चाहिए, 152 जो है फीमेल के लिए होनी चाहिए और आपकी चेस्ट भी यहीं पर मापी जाएगी साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ ही। फिजिकल आपके जो है जनवरी माह में निश्चित ही चल जाएंगे, तो 15 जनवरी से आपके जो है फिजिकल होने शुरू हो जाएंगे। इस प्रारूप में आप जो है आपके पास समय नहीं है, लगभग 1 से 1.5 महीने का समय है, आप अपनी तैयारी जो है जोर शोर से रखें। मेडिकल के लिए आपको जो है मार्च में बुलाया जाएगा और अप्रैल में आपकी जहाँ तक है अंतिम कट ऑफ सूची आ जाएगी और आपका जो है ट्रेनिंग के लिए भी बुला लिया जाएगा आपको जून के आसपास में।
तो दोस्तों ये खबर है उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 की भर्ती से संबंधित। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको संपूर्ण समझ में आया होगा। यदि कोई डिस्कस आपको जो है डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।